Good morning, students. Here is a central idea which is explained. Poem name A Thing of Beauty by John Keats. In this poem, the poet that any beautiful object is always treasured in our mind. इस कविता में कवि यही कहते हैं कि कोई भी सुंदर वस्तु जो होती है, जो खूबसूरत चीज़ होती है, वो हमारे माइंड में कलेक्ट हो जाती है, ट्रेजर्ड हो जाती है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस एक्सटर्नल एंड एवर लास्टिंग जॉय, क्योंकि ये हमें बाहर से खुश रहने वाला और हमेशा के लिए एक आनंद देने वाली चीज़ बन जाती है. द हैप्पीनेस दैट अ ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स, वो खुशी, वो प्रसन्नता जो एक सुंदर वस्तु से हमें मिलती है, नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी मुरझाती नहीं है. बट मल्टीपल्स मैनीफोल्ड्स वेन एवर इट रिटर्न्स टू अवर माइंड, हमारे मन में जितनी बार भी उसकी इमेज आती है तो हमें उससे ज़्यादा खुशी मिलती है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता की कोई भी चीज़ हमेशा के लिए खुशी देने वाली होती है. द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी मेक्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, सुंदरता की कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे मन में हमेशा के लिए एक इम्प्रेशन छोड़ देता है. एंड गिव्स अस जॉय, और हमें उससे वो खुशी मिलती है दैट नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस, जो कभी खत्म ही नहीं होती. बट इंक्रीजेस वेन एवर दे फ्लैश अक्रॉस अवर माइंड, जब भी उस सुंदरता की इमेज हमारे मन में आती है तो हर बार वो खुशी जो है बढ़ती चली जाती है. पोइटिक डिवाइसेस जो यूज हुए हैं, एलिटरेशन एंड हेरोइक कपल्स, राइम स्कीम है ए है.